ॐ अर्हं सुशरणं विघ्नहरणं नितिमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहं वने अर्हं वने अर्हं वने अर्हं वने अर्हं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है पंच परमेष्टी ध्यान। नौकार मंत्र जैन धर्म का एक बहुत ही चमत्कारिक महामंत्र बताया गया नौकार मंत्र, जिसमें पांच पद हम सभी जानते हैं, इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पांच पद है, उन पांच पदों का ध्यान प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत किस तरह से किया जाता है आपको मालूम है, आपने पहले भी किया है, फिर भी कई भाई बहन हो सकते हैं नए हो, उनके लिए जानकारी के लिए हम थोड़ी चर्चा करनी है। लोकार मंत्र के पांच पद नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सर्वशाणम। इन पांच पदों का ध्यान हम पांच चैतन्य केंद्र पर करते हैं। चैतन्य केंद्र हमारे शरीर के अंदर 13 बताए गए, 13 में से जो विशिष्ट चैतन्य केंद्र है पांच, उन पर इन मंत्रों का ध्यान किया जाता है। और लोकार मंत्र के पदों के अलग अलग रंग निश्चित किए हुए हैं। पूरे जैन समाज ने, जितने भी हमारे आचार्य भगवंत है, सब ने मिलकर एक पांचों पदों के रंग निश्चित किए हैं। तो रंगों के बारे में आपको जानकारी होगी निश्चित रूप से, क्या आप बता सकते हैं रंग कौन से पद का कौन सा रंग है? आप में से कौन बताएगा? मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। अपने वीडियो चालू कर ले, अपने अपने वीडियो चालू करें प्लीज। पांच पदों के पांच रंग बताए गए, तो आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट है, बोलिए। नमो अरहंताणम सफेद रंग, सफेद रंग बिल्कुल सही है। नमो सिद्धाणं अरुण रंग, हाँ। नमो आयरियाणं पीला रंग, पीला रंग। नमो उवध्यायाणं हरा रंग जी। और नमो लोए सभ्य सावणं चमकता हुआ नीला रंग, नीला रंग बिल्कुल सही बताया आपने। नमो अरहंताणं का सफेद, चमकता हुआ सफेद रंग। नमो सिद्धाणं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चमकता हुआ रंग लेना चाहिए, डल रंग नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल चमकीला रंग में हम ध्यान करते हैं।
तो नमो अनंतारणम ध्यान का ध्यान करते समय चित्त हमारा कहाँ पे रहेगा? चित्त रहेगा ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग जो है इसे ज्ञान केंद्र बताया गया है। यहाँ पे हम चमकते हुए सफेद रंग चंद्रमा की भांति, चमकते हुए चंद्रमा की भांति सफेद रंग का ध्यान करते हैं। नमो सिद्धारम के समय हमारा चित्र रहता है दर्शन केंद्र, दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच, ये है हमारे नमो सिद्धारम का केंद्र, इसका नाम है दर्शन केंद्र। यहाँ पे उगते हुए सूर्य के समान अरुण रंग का ध्यान किया जाता है। तीसरा पद आता है नमो आयरियाणम, इसके लिए केंद्र है विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, कंठ का स्थान जैसा कि बताया अभी, इसका रंग है पीला, पीला रंग बिल्कुल पीला, सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हुआ। चौथा पद है नमो उवज्जायाणम, तो नमो उवज्जायाणम के लिए आनंद केंद्र, छाती के बीचों बीच ये जो गड्ढा है यहाँ पे, ये आनंद केंद्र कहलाता है। यहाँ पर हरे रंग का ध्यान बिल्कुल हरा पल्ले के समान चमकता हुआ। और नमो लोए सप्तसावनम शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का स्थान जिसे मूलाधार चक्र कहा गया है, मूलाधार के चक्र वो है हमारा शक्ति केंद्र। तो वहां पे चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ नीला रंग जैसे मयूरकंठ, मयूरकंठ के समान चमकता हुआ। तो ये पांच केंद्र पर हम पांच रंगों का ध्यान करेंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार है? वीडियो अभी भी बहुत से भाई बहनों के ऑफ है, तो अभी ध्यान की पूर्व तैयारी, हमें पूर्व तैयारी में पहले क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है जब पूर्व तैयारी करते हैं, तो आसन का चयन करना होता है ना। तो ध्यान के लिए चार आसन बताए गए, चार आसन कौन से, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों आसनों में से कोई भी एक आसन को आप चुन लीजिए। नीचे अगर आपको बैठने में तकलीफ होती है तो आप कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हो, और एक आसन में बैठने में तकलीफ हो रही है, आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो, तो धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। ध्यान के बीच में भी आप धीरे से आसन बदल सकते हैं। तो चारों आसनों में से किसी एक आसन का चयन करें। मैं पद्मासन में बैठकर ध्यान करना चाहूंगा, आप जिस आसन में बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करना। ध्यान के लिए दो मुद्राएं खास रूप से विशेष रूप से बताई गई। पहली है ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुलियों को इस तरह से मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, शेष तीनों अंगुलियां ऊपर की ओर खुली हुई। ज्ञान मुद्रा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की, तो ज्ञान बताया गया था आपको ज्ञान मुद्रा कैसे लगाई जाती है। तो ये ज्ञान मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा। और दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। ऊपर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है हाथों में दर्द शुरू हो जाए, इसलिए आराम से गोद में टिका दीजिए, नीचे टिका दीजिए, दोनों अंगूठे बिल्कुल मिले हुए। ये हो गई हमारी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, इसे ब्रह्म मुद्रा भी कहा गया है, दो नाम है, वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। दोनों मुद्राओं में से आपको एक मुद्रा का चयन करना है, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। ये हो गई हमारी ध्यान की मुद्रा, ध्यान की स्थिति। अब पहले हम पांच बार महाप्राण ध्वनि या अरम की ध्वनि, दोनों में से कोई भी ध्वनि की जा सकती है, तो हम आज महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबा श्वास भरिए, भौरे की तरह
आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़िए। 5 बार मुद्रा ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ध्वनि के उच्चारण के बाद धेय सूत्र आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा है। ध्यान का पहला चरण कायोत्स, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति कठोर, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ति,
काय और सिर के। अगले चरण में शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। शिथिल हो रहा। शिथिल पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। काय और सिर की यही मुद्रा ध्यान पूरे ध्यान काल तक, पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण, अगला चरण मंत्र प्रेक्षा, चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर, चोटी का भाग। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग को देखने का प्रयास करें। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता है। अब ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंताम इस मंत्र का साक्षात्कार कर, अनुभव कीजिए ज्ञान केंद्र पर चमकीले श्वेत रंग में नमो अरहंताम यह मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से उस मंत्र का साक्षात्कार कर। ज्ञान केंद्र पर चमकीले श्वेत रंग में
नमो अरहंतारणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ 5 बार करें, बिल्कुल तल्लीनता के साथ। नमो अरहंता, नमो अरहंता, नमो अरहंता। नमो अरहंता, नमो अरहंता। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक तल्लीनता के साथ मनी मन उच्चारण करें 5 बार। नमो अरहंता, नमो ज्ञान केंद्र पर चमकीले श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र साफ दिखाई दे रहा है। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर ले आए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हो। दर्शन केंद्र पर चमकीले अरुण रंग में नमो सिद्धाणम इस मंत्र का साक्षात्कार कर। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र लिखा हुआ है, उसे बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण। नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा।
मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक तल्लीनता के साथ मनी मन उच्चारण करें। दर्शन केंद्र पर सुनहरे गोल्डन सूर्यमुखी सूर्य के समान चमकता हुए अरुण रंग में नमो सिद्धानंद मंत्र का साक्षात्कार हो रहा है। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ पीला रंग सरसों के फूल के समान या सूर्यमुखी के फूल के समान चमकता हुआ। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले पीले रंग में नमो आयरियाण, इस मंत्र का साक्षात्कार। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले पीले रंग में नमो आयरियाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण, बिल्कुल तल्लीनता के साथ नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मन ही मन। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग में नमो आयरियाणम मंत्र का साक्षात्कार हो रहा। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आ जाए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान, पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग
आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्जायण। इस मंत्र का साक्षात्कार आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्जायण मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय नमो उवज्जाय मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन तल्लीनता के साथ आनंद केंद्र पर हरे रंग में नमो उवज्जायण मंत्र साक्षात दिखाई दे रहा है। अब चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आ जाए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। शक्ति केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग मयूर कंठ के समान। शक्ति केंद्र पर चमकीले नीले रंग में नमो लोए सब साहुण। इस मंत्र का साक्षात्कार शक्ति केंद्र पर चमकीले नीले रंग में नमो लोए सब साहुणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम। मैं लोक के सभी साधु साधियों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मनी मन तल्लीनता के साथ
शक्ति केंद्र पर चमकीले नीले रंग में नमो लोए शब्द साहू मंत्र दिखाई दे रहा है। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान अनुभव कीजिए। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है, पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद आकाश में उभर रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। श्वेत रश्मिया ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं, पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया, बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति परम आनंद का अनुभव कर परम शांति परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। चारों ओर उजाला और प्रकाश, गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र अपना
सच में सच मैं ते भुए अपना सच में सच मैं ते भुए अपना सच में सच मैं तिम हुए सूखा पे स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे आहं सुविज्जा चरणम पमोकम आहं सुविज्जा चरणम पमोकम आहं सुविज्जा चरणम पमोकम दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर शरण सूत्र दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए मेरे साथ साथ शरण सूत्र का उच्चारण अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिकुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिकुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिकुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि श्रद्धा सूत्र आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंदनासन में आ जाए बिल्कुल सीधे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए तीन बार सत्य की वंदना बंदे कहते समय सीधे रहेंगे सत्सम कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है तीन बार इस क्रिया को दोहराएंगे वंदे सत्सम श्वास भरते हुए ऊपर वंदे सचम वंदे सचम आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखिए धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खोले बंद करें और धीरे धीरे अंगुलियों को हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल दें आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए बिल्कुल सीधे आराम से बैठ करीब करीब 40 मिनट का ध्यान अभी हमने परमेष्ठी ध्यान पंच परमेष्ठी ध्यान ध्यान करके अच्छा लगा होगा आपको निश्चित रूप से जिनको ध्यान में थोड़ा सा भी अंदर प्रवेश करने का
सीख जाते हैं उनको तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। और पंच परमेष्ठी ध्यान, कितना सुंदर ध्यान बताया गुरुदेव ने, नौकार मंत्र का ध्यान। हमारे भाई देख रहा हूं मैं, सामायिक में है, सामायिक भी हो रही है, ध्यान भी हो गया। सामायिक के साथ साथ ध्यान भी हो गया है, तो अभी आप से कुछ बात कर सकते हैं, समय है हमारे पास। नहीं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, आनंद आया। रंग धीरे धीरे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आप नियमित अभ्यास करोगे तो रंग भी दिखेंगे आपको। रंग जब दिखना शुरू हो जाएगा तब और आनंद आएगा, और आनंद आएगा। जब तक रंग नहीं दिखते हो सकता है आपको इतने आनंद की अनुभूति नहीं हो, जब रंग दिखने लगेंगे और आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, रंग अभी नहीं दिखने चल रहे, आप अभ्यास नियमित करेंगे तो रंग भी दिखेंगे। मनोज जी कैसा लगा आपको? मनोज जी तो हमारे रोज करने वाले हैं, ध्यान रोज करते हैं, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। मंजू जी जुड़ी हुई है, आप अनम्यूट कीजिए मंजू जी। करके बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे कोशिश हो रही है रंग देखने की भी, रंग अभी तो नहीं दिख रहे हैं। दिखेगा, रंग भी दिखेगा, आप अभ्यास करते रहे। ज्यादा आप आधा घंटा नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट का, 15 मिनट का अभ्यास शुरू करें आप। पांच पांच बार नौकार मंत्र जो अपन लेते हैं, पांच पांच बार नहीं, तीन तीन बार लो। एक बार आप तीन बार से शुरुआत करें, तीन बार उच्चारण करते हुए, तो रंग भी दिखेगा। सरला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरला जी के साथ सुमिता जी भी दिख रही है मेरे को। सुमिता जी, जय जिनेन्द्र आने की वजह से बहुत अच्छे से ध्यान हुआ आज। अच्छे से ध्यान हुआ, बहुत बढ़िया। रंग भी दिखे सारे जी, पप्पा ने भी किया, उनकी मैं उनको बोल रही हूँ अगर सारे रंग दिख गए तो आपकी शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगी। सुमिता जी आपके पापा भी दिखाई दे रहे हैं, पापा है ना, कौन है? पापा को बोल रही हूँ कि अगर रंग दिखने लग जाए तो आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। रतनलाल जी कोथरा सामायिक में है, अपने आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, म्यूट है अभी। हाँ, नीचे कनक अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करो पहले, म्यूट हो आप, अनम्यूट करो पहले। हाँ, कलर भी दिखता है थोड़ा थोड़ा, कोशिश कर, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। करती हूँ मैं, डेली करती हूँ, दोनों टाइम करती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। बहुत बढ़िया, दोनों क्लास, एक हेमराज जी सेठिया की क्लास भी ज्वाइन करती हूँ शाम को, उसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगता है। नियमित अभ्यास करोगे तो आपको रंग दिखने शुरू हो जाएंगे और ध्यान की गहराई में आप जाओगे, जितना गहराई में जाओगे उतना ही आनंद आएगा। थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होता है, मैं थोड़ा सा, मैं नीचे बैठने में तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठो, आप कुर्सी पे बैठो, शरीर में आपको अगर तकलीफ है तो ध्यान आपका सही होगा नहीं, इसलिए कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। और नीचे बैठते हो तो नीचे आसन सुखासन में बैठो, जरूरी नहीं है पद्मासन सबका लगा के पद्मासन में ध्यान करे। वज्रासन अच्छा बैठता है, वज्रासन अच्छा होता है मेरा, ठीक है, वज्रासन में भी किया जा सकता है, कोई भी आसन में किया जा सकता है। धन्यवाद। तो पितृलक्ष्मी, आपको मैंने बताया था कल से हमारा पांच दिवसीय कार्यशाला, पांच दिवसीय कार्यशाला कल से शुरू हो रही है, और दिल्ली से डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हीलिंग एक्सपर्ट, बहुत शानदार उनका प्रयोग कार्यक्रम होते हैं, तो पांच दिन कंटिन्यू वो हमें हीलिंग का प्रयोग करवाएंगे, निश्चित आपको अच्छा लगेगा। आपको आपको तो जुड़ना ही है और अपने पहचान वालों को, परिजनों को, सबको जोड़ना है। कोशिश करूंगी। हाँ, धन्यवाद। सुशील जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र।
ध्यान बहुत अच्छा लगा आज का और आनंद आ रहा है। मैं बीच बीच में जुड़ता हूँ, कंटिन्यू नहीं हूँ, अब रेगुलर हो जाऊंगा। तो महाराज पधारे हुए हैं तो वहां चला जाता हूँ। अच्छा, अब रेगुलर जुड़ूंगा मैं। देखिए आचार्य श्री की आवाज में भी इसकी सीडी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप पूरा 48 आचार्य श्री ने जो बताया पूरा 48 मिनट्स का है वो, तो आप यूट्यूब में जाके अगर मंत्र ध्यान मंत्र परीक्षा आप आचार्य श्री की आवाज में चालू कर लेते हो और अंत तक आप होते हो बैठे रहते हो तो आपकी सामायिक भी हो गई और ध्यान भी बहुत सुंदर आचार्य श्री की आवाज में ध्यान बहुत सुंदर मजा आता है, बहुत करने में बहुत आनंद आता है, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है सर, तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। कल से जो 5 दिन का हमारा वर्कशॉप रहेगा उसका लिंक यही रहेगा, हमारा सुबह का जो लिंक रहता है यही लिंक रहेगा। और शनिवार 3 बजे दोपहर को 3 बजे भरतमाई गुप्ता अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका जो एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे है जो चक्रों की शुद्धि, 5 चक्र ऑलरेडी उनके हो चुके हैं, अभी छठा चक्र आज्ञा चक्र के बारे में बताएंगे। हमें शनिवार 3 बजे है तो शनिवार 3 बजे भी जुड़ता है हमें दोपहर को, शनिवार को सुबह और दोपहर दो कार्यक्रम रहेंगे और लिंक यही रहेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके भी बहुत आभारी है। आपने अपना अपूर्ण समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं।